क्लासिक 350 विद एलईडी हेडलाइट क्लस्टर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कितना प्राइस है, कैसा आपको डिजाइन देखने को मिलता है आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 90। लेट्स स्टार्ट दिस मैजिक वीडियो। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं क्लासिक 350 जो आपको देखने को मिलती है अब कैसे आती है। पेंट स्कीम जो है, कलर स्कीम है, वो आपको सेम देखने को मिलता है। उसके अंदर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाला है आपको। बाइक के अंदर सेम आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। दिस इज द हेल्सियन ब्लैक। हेल्सियन सीरीज के अंदर आपको जो है हेल्सियन ग्रीन और हेल्सियन ब्लैक दोनों आज मैं दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर पेंट स्कीम आपको सेम देखने को मिलती है। बाइक के अंदर यहाँ पर मैकेनिकली आप देख सकते हो इतना कोई चेंज नहीं है। सेम आपको इंजन देखने को मिलता है। 349 cc का पावर आउटपुट है, 20 bhp, 27 Nm ऑफ टॉर्क, 5 गियर आते हैं, सुपर बट स्मूथ गियर शिफ्ट आपको देखने को मिलती है। क्लासिक 350 की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। डुअल आपको जो है यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। ये सिंगल चैनल लेविस वाला वेरियंट है, इसलिए आपको पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। इसका जो आपको सीट है वो आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलती है। कुशनिंग वगैरह बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, उसमें कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। एग्जॉस्ट जो है सिंगल ही देखने को मिलता है। सेम यहाँ पर लुक है, सेम डिजाइन है। रॉयल एनफील्ड की पीछे बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर टेल लाइट जो है बल्ब आती है, इंडिकेटर्स जो है बल्ब आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये खड़ी है डार्क गन मेटल ग्रे, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी चेंज नहीं है। एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेम वाला। यहाँ पर डिस्प्ले में भी आपको जो है ट्रिप एफ ओडोमीटर यहाँ पर ट्रिप वन ट्रिप टू पूरा देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर जो है आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में लगवा सकते हो, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं लगवा पाओगे बिकॉज उसमें वायरिंग नहीं आती है। साथ में यहाँ पर जो है टाइप ए चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। हैंडल बार्स पे आपको प्लास्टिक की केसिंग देखने को मिलती है। अभी भी हाई बीम लो बीम पास बटन है, इंडिकेटर बटन है, यहाँ पर हॉर्न बटन है, साथ में आई बटन आता है। राइट साइड में किल स्विच इग्निशन स्विच और हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। स्प्लिट सीट आती है। पीछे डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है डार्क गन दिस गन मेटल ग्रे के अंदर। एंड अलॉय व्हील्स आते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ट्यूबलेस टायर आते हैं, बाकी सारे वेरिएंट्स के अंदर जो है आपको ट्यूब टायर ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई बाइक के अंदर क्या क्या और यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो बाइक का जो इंजन है उसमें यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ऑल टुगेदर आपको जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। रिफाइनमेंट के मामले में बात करूँ, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस वाले वेरियंट के अंदर स्पोक व्हील्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्यूब टायर ही देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं। साथ में 2 स्टैंड आते हैं, साइड स्टैंड और मेन स्टैंड। एंड ऑल टुगेदर यहाँ पर बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है बिकॉज ड्रम ब्रेक वेरिएंट है। बाकी इसका जो डुअल चैनल बेस वाला वेरिएंट है, सब पीछे डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाला है आपको। साथ में यहाँ पर फ्यूल कैप जो है कुछ इस प्रकार से आती है। फ्यूल लिड ओपन करके आप फ्यूल अप करा सकते हो बाइक को। साथ में E20 पेट्रोल वाली बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो है आपको इग्निशन के लिए की होल एरिया देखने को मिल जाता है। जो बाइक है इसके आपको सस्पेंशन सेटअप फ्रंट में टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं, रियर में आपको डुअल शॉक सेटअप देखने को मिलता है। एंड ऑल टुगेदर यहाँ पर कुशनिंग जो है आपको पहले से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सीट्स की बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन स्पेसिंग और यहाँ पर जो कुशनिंग है, कुशनिंग लिटरली काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ। एंड यहाँ पर जो है आपको लुक बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है बाइक का। ऑल टुगेदर बहुत ही अल्टीमेट लुक आता है। एंड ब्लैक कलर के अंदर लिटरली क्लासिक 350 बहुत अच्छी और डिफरेंट लगती है। चाहे आप यहाँ पर कोई भी सीरीज देख लें, चाहे आप यहाँ पर डार्क सीरीज तो फेमस ही है बिकॉज वो प्रॉपर ब्लैक आउट लुक के साथ आती है। सो उसके अंदर जो है डार्क सीरीज ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हेल्सियन ब्लैक बहुत बढ़िया है, हेल्सियन ग्रीन भी बहुत अच्छा है। एंड ऑल टुगेदर यहाँ पर जो हेल्सियन ब्लैक है इसके अंदर आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा। मरून एंड यहाँ पर गोल्डन फिनिश आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर साइड में आपको जो है टैंक के ऊपर टैंक ग्रिप देखने को मिलती है, सो इसकी वजह से जो है आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है जब भी इस बाइक को आप चलाते हो। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट है। ऑल टुगेदर बाइक के अंदर कोई भी यहाँ पर मेजर चेंज नहीं है। टायर्स के बारे में बात करें तो टायर्स आपको जो है सेम देखने को मिलते हैं, C8 कंपनी के यहाँ पर 90x90 सेक्शन वाले। एंड जो फ्रंट जो उसका रिम आता है वो आता है 19 inches का, रियर रिम जो आता है वो आता है 18 inches का। 300 mm का जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है बाइब्री कैलिपर देखने को मिलते हैं। एंड रियर में जिसमें डिस्क ब्रेक आता है उसमें भी आपको बाइब्री कैलिपर देखने को मिलता है। 100x90 सेक्शन का टायर आता है ऑल टुगेदर यहाँ पर। एंड जो फेंडर है इसका प्रॉपर मेटल का आता है। यहाँ पर आपको जो है मरून एंड गोल्डन कलर की स्ट्राइपिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है बल्ब इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं बाइक के अंदर। इस कलर को हम कहते हैं स्टील्थ ब्लैक, और स्टील्थ ब्लैक जो है आपको पूरा एक ओवरऑल ब्लैक्ड आउट लुक के साथ बाइक देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शानदार आपको डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्राइस है इस बाइक का हो चुका है ऑलमोस्ट 2,65,400 rupees, 2,65,400 rupees इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल लुक देखने को मिलता है। एक बार मैं वॉक अराउंड देता हूँ उस पूरी बाइक का कुछ इस प्रकार से। एंड दिस इज हाउ दिस अमेजिंग क्लासिक 350 लुक्स लाइक। इस बाइक को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी लगभग 15,000 से 20,000 rupees होनी चाहिए प्रति महीना। साथ में यहाँ पर जो है आप मिनिमम 20% का डाउन पेमेंट करके आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट बात करें
50-55 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट दो और ये बाइक अपने घर ले जा सकते हो। साथ में यहाँ पर सिबिल स्कोर आपका एटलीस्ट 700 के ऊपर होना चाहिए अगर आपको इस बाइक को इजीली फाइनेंस कराना है। ये बाइक वैसे फाइनेंस इजीली हो जाएगी अगर आपको यहाँ पर सिबिल स्कोर अच्छा है। साथ में अगर आपका खुद का घर है, जिस घर में आप रहते हो, अगर आप किराए के घर पर नहीं रहते हो और आप खुद के घर में रहते हो, तो आप यहाँ पर इजीली जो है बाइक जो है फाइनेंस करा सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट पे ही चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बिजनेस करते हो 2 साल की ITR देनी होगी, जॉब करते हो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा एंड यहाँ पर जो है बाइक का कुछ इस प्रकार से ओवरऑल लुक आपको देखने को मिलता है। क्लासिक 350 के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। ये है डार्क सीरीज, डार्क के अंदर भी स्टील ब्लैक इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है। J1 सीरीज का लेटेस्ट 349cc का इंजन जो कि आपको यहाँ पर 20 BHP पावर आउटपुट देता है, 27 Nm ऑफ टॉर्क देता है। किक नहीं आता है यहाँ पर, 5 गियर आते हैं बाइक के अंदर। ये आप देख सकते हैं J1 349 लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंगल एग्जॉस्ट सेटअप आपको देखने को मिलता है, बहुत ही लॉन्ग एंड यहाँ पर जो है आपको ओवल बॉक्स देखने को मिलता है। साथ में क्लासिक 350 का ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको बाइक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है आपको कुछ इस प्रकार से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं यहाँ पर की लगा के। साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो बैक रेस्ट एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं इस बाइक के अंदर, ये आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर लगवाना पड़ता है। इंजन कार्ड जो है वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे देकर लगवाना पड़ता है। ये विंडस्क्रीन एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको लगवाने पड़ते हैं। साथ में आप काफी अच्छे मिरर्स लगवा सकते हो और भी काफी सारी एक्सेसरी लगवा सकते हो, जैसे कि वो टूरिंग सीट्स के कवर्स हैं, वहाँ पर आप जो है यहाँ पर उसे भी एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हैं। यहाँ पर बाइक के अंदर एट द रियर यू गेट अ डिस्क ब्रेक, 240 mm डिस्क ब्रेक आता है। बाइब्री कैलिपर के साथ डुअल चैनल ईबीएस ब्रेक सिस्टम आती है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक के अंदर आपको ईबीएस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डार्क सीरीज ही क्लॉथी सीरीज के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर अलॉय व्हील्स जो है कंपनी फिटेड सिर्फ एक ही वेरियंट एक ही सीरीज के अंदर आते हैं, वो है डार्क सीरीज C8 कंपनी के टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज हाउ दिस टायर लुक लाइक, काफी डिसेंट आपको ग्रिप देखने को मिलती है, C8 कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। टायर सेक्शन 120x80 सेक्शन का आता है और व्हील का जो साइज है ऑलमोस्ट 18 इंचेस का आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें टेल लाइट के बारे में तो टेल लाइट आपको जो है कंप्लीट बल्ब देखने को मिलती है और बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, बल्ब टेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर्स। यहाँ पर पीछे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बैक रेस्ट पे भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ में फिर बात करें तो लेफ्ट साइड से जो है बाइक को जिस प्रकार से देखने को मिलती है, दिस इज हाउ दिस अमेजिंग क्लासिक 350 लुक्स लाइक। सो गाइस यहाँ पर फाइनली एलईडी हेडलाइट क्लस्टर वाला जो है क्लासिक 350 का वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। सेम एलईडी हेडलाइट क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आपको हिमालयन के अंदर यहाँ पर जो है मीटियोर 350 के अरोरा के सीरीज के अंदर टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर गरेला 450 के अंदर, GT650 यहाँ पर आपको जो है शॉटगन 650 के अंदर देखने को मिलती है, यही वाली सेम एलईडी हेडलाइट क्लस्टर आ चुकी है। साथ में यहाँ पर जो है आपको पायलट लैंप्स भी एलईडी देखने को मिलने वाले हैं और बाकी एज एन एक्सेसरी के रूप में आप जो है एलईडी इंडिकेटर्स लगवा सकते हो। आपको ये कैसा लगा चेंज जो यहाँ पर जो है चेंज किया है बाइक के अंदर रॉयल एनफील्ड ने? बाकी मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ लगी है एंड डेफिनेटली पहले भी मैं वीडियो बना चुका था इसके ऊपर, बाकी आपका क्या मानना है डू कमेंट डाउन बिलो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बी राइट सेफ, बाय।